नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर वीडियो है मित्रों। बहुत सारे परिवर्तन 47th काउंसिल मीटिंग ने प्रपोज किए। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन का पूरा बकेट आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि 18 जुलाई 2022 से जिनके ऊपर परिवर्तन आ गए हैं, मैं एग्जेम्पशंस की बात करने वाला हूं आज आपसे। 12/17 सेंट्रल टैक्स रेट की जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात करती है, आज हम बात करेंगे 4/2022 की नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो 25 परिवर्तन जो है 12/17 सीटीआर में चेंज लाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 25 चेंजेस है मित्रों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पूरी डिस्कशन को एंट्री वाइज करेंगे। तो आप अगर अपनी नोटिफिकेशन अपने सामने रख लें, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनल अप टू डेट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है। तो इस बात को शुरू करते हैं। एग्जेम्पशंस में 25 चेंजेस हैं। सबसे पहले हम एंट्री नंबर 6 की बात करते हैं। यहां सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात हो रही है मित्रों। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कुछ सर्विसेज की एग्जेम्पशन थी, उसको हटा दिया गया है। कौन कौन सी सर्विसेज की एग्जेम्पशन थी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज की एग्जेम्पशन थी। एंट्री नंबर 6 में से इसको हटा दिया गया है। एंट्री नंबर 7 में भी सेम परिवर्तन किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है। 8 में भी सेम परिवर्तन किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज है। और एंट्री नंबर 9 में भी, जहां पर कंसिडरेशन 5,000 रुपए से नीचे एग्जेम्पशन होती है, जब भी कोई एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन गवर्नमेंट देती है और उसकी कंसिडरेशन 5,000 से नीचे होती है तो वह एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर 9 में वहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विसेज थी उसको हटा दिया गया है, वहां से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन एंट्री नंबर 12 में आया है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट का। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट में जब भी कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट जो है रेंट पे दी जाती थी उसको एग्जेम्प्ट कहा जाता था 1/7/2017 से, लेकिन 18 जुलाई 2022 से इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट रेंट पे दी जाएगी लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दी जाएगी तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। मान लीजिए मैं मेरे पास एक प्रॉपर्टी है एक्स प्लेस पे और मैं किसी मिस्टर वाई को देता हूं जो कि रेजिडेंशियल रजिस्टर्ड नहीं है, और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यूज फॉर रेजिडेंस है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो ए सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन यहां पर अब एक इंटरेस्टिंग बात क्रिएट की गई है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किराए पर दी जाएगी तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी अंडर रिवर्स चार्ज। नोटिफिकेशन 13/17 में भी एक एंट्री ऐड की गई है जहां पर अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट किसी भी पर्सन के द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को अगर रेंट पे दी जाएगी तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना होगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। उसके बाद एंट्री नंबर 14 में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन, 2011 सर्विस टैक्स के दौर से जो भी गेस्ट हाउसेस, स्मॉल होटल्स, इन कैंप साइट्स या जिस भी नाम से वो कहलाए जाएं, अगर 1,000 रुपए पर यूनिट पर डे का रेंट लेते थे या 1,000 से नीचे का रेंट लेते थे वो एग्जेम्प्ट थे। अब वो एग्जेम्पशन एंट्री की पूरी रिमूव कर दी गई है। एंट्री 14 जो है ओमिट कर दी गई है 12/17 सीटीआर से। तो अब वो सारे होटल्स जो 1,000 से कम का रूम रेंट लेते हैं पर डे पर यूनिट वो टैक्सेबल हो जाएंगे। एंट्री नंबर 15 में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर टू सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। सेवन सिस्टर्स में हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आते हैं। सेवन सिस्टर्स में सिक्किम को छोड़कर बाकी सारे सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं और सिक्किम जो है वो एट्थ ब्रदर कहलाता है। अगर बाय एयर कोई भी ट्रेवल होता था आज तक टू एंड फ्रॉम दीज 8 स्टेट्स तो वो एग्जेम्प्ट था, लेकिन यहां पर एक एडिशनल
एंट्री रादर मैं कहूंगा एक फ्रेज ऐड की गई है बाय एयर बाय इकोनॉमी क्लास। तो पहले इकोनॉमी क्लास एडेड नहीं था यहां पर, अब इकोनॉमी क्लास ऐड हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर इकोनॉमी क्लास से बाय एयर आप सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सेवन सिस्टर और एट ब्रदर जाएंगे या वहां से यहां आएंगे तो उस ट्रेवल पर, एयर ट्रेवल पर इकोनॉमी क्लास में एग्जेम्पशन मिलेगी, टैक्स नहीं लगेगा। ये एंट्री नंबर 15 थी। एंट्री नंबर 20 में एक और परिवर्तन आया है। यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेल और वेसल इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल इन इंडिया में एक एंट्री थी डी एंट्री, उसको ओमिट कर दिया गया। वो ये कहती थी कि अगर रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अब वो यहां पर रिमूव कर दिया गया है। अगली एंट्री मित्रों जो है वो है एंट्री नंबर 24B। ये स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स की बात करती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये था कि अगर आप स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एग्रो प्रोडक्ट्स के करते हो तो उसकी जो सर्विसेज की फीस थी या रेंटिंग थी या स्टोरेज सर्विसेज की फीस थी वो एग्जेम्प्ट थी। अब इसमें से जितनी भी सारी बाकी एंट्रीज थी वो सारी हटा दी गई। केवल चार प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप स्टोरेज या वेयर हाउसिंग सर्विसेज देते हो तो वो एग्जेम्प्ट है, और वो कौन कौन से हैं? सेरल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी पहले नट्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, शुगर केन, जैगरी, टी, कॉफी, बीटल लीव्स, ये सब हटा दिए गए। अब अगर इन सब प्रोडक्ट्स जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अगर आप स्टोरेज या वेयर हाउसिंग सर्विसेज देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगी। उसके बाद एंट्री नंबर 26 है जो कि सर्विसेज बाय आरबीआई है, उसको रिमूव कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया है, अर्थात कि अब वो सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं रही, टैक्सेबल हो गई हैं। टैक्सेबल हो गई हैं तो वो, टू माय हम्बल व्यू, वो आरसीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर टैक्सेबल होंगी। आरसीएम में एज ए रजिस्टर्ड पर्सन अगर आप वो सर्विसेज आरबीआई के लेते हैं तो वो टैक्सेबल होंगी। उसके बाद एक नई एंट्री डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए एंट्री नंबर 24C डाली गई है, और उसमें कहा गया है कि अगर ये एग्जेम्प्शन एंट्री डाली गई है, अर्थात कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्ट कार्ड दे की सर्विसेज देता है, मतलब सेंडिंग ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, तो ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। उसके बाद 13वीं एंट्री जो है, 13वां चेंज जो है वो है एंट्री नंबर 32 में। यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती थी, वो भी टैक्सेबल कर दी गई हैं। टू माय व्यू अगेन वो रिवर्स चार्ज में, बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी के सर्विसेज हैं वो, तो वो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा उस पर टैक्स पे किया जाएगा। एंट्री नंबर 33 में 14वां चेंज आया है, और उसमें सेबी की जितनी सर्विसेज थी पहले एग्जेम्प्ट थी उसको अब टैक्सेबल कर दिया गया है, अगेन उसका रिजल्ट आरसीएम होगा। 15वां चेंज जो है वो एंट्री नंबर 47A में आया है, जिसमें FSSAI जो है, जो कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो है आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग की सर्विसेज देता था, फूड टेस्टिंग की सर्विसेज, एनालिसिस की सर्विसेज देता था, वो एग्जेम्प्ट होती थी, अब वो भी टैक्सेबल है, एंड कॉन्सिक्वेंटली अगेन अंडर, टू माय व्यू, रिवर्स चार्ज। GSTN जो आपको सर्विसेज देता था एंट्री नंबर 51 में, उसको ओमिट कर दिया गया, दैट ऑल्सो बिकम टैक्सेबल, अगेन टू मी वी माई व्यू दैट वुड बी अंडर रिवर्स चार्ज। एंट्री नंबर 53 कैपिटल ए में जो फ्यूमिगेशन एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रो प्रोड्यूस है उसको भी ओमिट कर दिया गया, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंट्री नंबर 52A एक नई एंट्री है टूर ऑपरेटर के लिए। अगर टूर ऑपरेटर पार्टली टूर इन इंडिया करवाता है किसी भी फॉरेन टूरिस्ट को और पार्टली आउटसाइड इंडिया कराता है, मतलब फॉरेन टूरिस्ट आता है तो उसको इंडिया घुमाता है, नेपाल घुमाता है, श्रीलंका घुमाता है या कहीं और घुमाता है, तो जो पार्टली आउटसाइड इंडिया का जो टूर है उसकी जो कंसिडरेशन है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। एंट्री नंबर 54 है जो फ्यूमिगेशन के ऊपर है वो रिमूव कर दी गई है, अगेन उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो फ्यूमिगेशन होता था उसमें फ्यूमिगेशन सर्विसेज को टैक्सेबल बना दिया गया है। एंट्री नंबर 56 को ओमिट कर दिया गया, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल की सर्विसेज पहले एग्जेम्प्ट होती थी अब उसको हटा दिया गया है, इसका मतलब वो टैक्सेबल होगी। एंट्री नंबर 73 को कॉर्ड ब्लड बैंक, जो कॉर्ड्स होती हैं, ह्यूमन कॉर्ड्स होती हैं व्हाइल गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, दोज आर अटैच्ड टू द मदर्स वॉम, वो पहले एग्जेम्प्ट होती थी अब वो टैक्सेबल हो जाएंगी।
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज जो है एग्जेम्पशन में रिमूवल आया एंट्री नंबर 74 में हेल्थ केयर सर्विसेज में. अगर कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रूम रेंट 5000 रुपए से अधिक लेता है पर डे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, टैक्सेबल तो हो जाएगा लेकिन अगर इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट आईसीयू या सीसीयू जैसी कोई अगर आप सर्विसेज लेते हैं उसका रूम रेंट 5000 या उससे अधिक है तो वो टैक्सेबल नहीं है, कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्ट है. एंट्री नंबर 75 में भी एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग की सर्विसेज दी जाती थी, कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग की सर्विसेज. मैं समझता हूं ये भी और जो आप रूम रेंट वाली बात है दोनों जो हैं मेरे ख्याल मेडिकल सर्विसेज को और एक्सपेंसिव कर देंगी हमारी कंट्री में, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेडिकल सर्विसेज की. वो भी एग्जेम्पशन हटा दी गई है बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग सर्विसेज के ऊपर. एंट्री नंबर 80 में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री को थोड़ा सा चेंज किया गया है. ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज अगर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है तो वो पहले एग्जेम्प्ट था, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस पर नहीं आया. लास्ट 25वां जो चेंज है वो एंट्री नंबर 82 कैपिटल ए में है. फीफा वर्ल्ड कप जो होता है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो होता है उसमें एक वर्ड ऐड किया गया व्हेन एवर रीशेड्यूल, मतलब दोबारा जब भी होगा, हर बार जब जब होगा वो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप उसकी जो सर्विसेज होंगी वो एग्जेम्प्ट होंगी. तो ये 25 चेंजेस 12/17/2017 में चेंज आए हैं एग्जेम्पशन सर्विसेज में. मैं आशा करता हूं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके अपने कंडक्ट के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए यूजफुल रहेगी. कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इसको आगे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.